हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है, FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर, परीक्षा केंद्र यानी एग्जाम सेंटर क्या क्या लेकर जाना है, फ़ोटो कितनी लेकर जाना है, ID प्रूफ में क्या लेकर जाना है, फ़ोटो कॉपी कितनी लेकर जाना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। हमारा मेन पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको एडमिट कार्ड जरूर निकलवा लेना है। आप कलर प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी, दोनों चल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब आपको एडमिट कार्ड के साथ एक काम कर लेना है दोस्तों, आपको यहाँ पास अपनी फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। और फोटो के ऊपर आपको क्रॉस साइन करना है कुछ इस प्रकार, आधा साइन आपके एडमिट कार्ड में रहे और आधा साइन आपकी फ़ोटो के ऊपर रहे, कुछ इस प्रकार आपको साइन कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पास फ़ोटो चिपकाना है और क्रॉस साइन आपको कर देना है। इसके बाद आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है दोस्तों। हैंड राइटिंग सैंपल के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, तो यहां पास आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो दिखाई देगा वो आपको यहां पास लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको घर पे लगाकर नहीं ले जाना है दोस्तों, ये आपको एग्जाम सेंटर पर जो निरीक्षक होते हैं, इनविजिलेटर रहते हैं, उनके सामने आपको करना पड़ेगा लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है। और सिग्नेचर भी उन्हीं के सामने आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एडमिट कार्ड में सिर्फ और सिर्फ फोटो चिपकानी है और क्रॉस साइन आपको कर देना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट पे दोस्तों, पासपोर्ट साइज फोटो। तो कुछ इस प्रकार की आपको फोटो लेकर जाना है और कम से कम दो फोटो तो जरूर लेकर जाएं, दो से कम फोटो लेकर नहीं जाना है दोस्तों, नहीं दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, यदि आपके पास 3 से 4 फोटो हैं तो लेकर जाइए, यदि 3 से 4 फोटो नहीं हैं, 2 फोटो हैं तो 2 फोटो से काम चल जाएगा। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लेकर जाना है, ओके। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट पे दोस्तों, फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ के तौर पर आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब लेकर जा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान में रखें दोस्तों, जो भी आप आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं वो एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। यदि आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं तो ओरिजिनल होना चाहिए, पैन कार्ड लेकर जा रहे हैं तो ओरिजिनल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा रहे हैं तो ओरिजिनल होना चाहिए, वोटर आईडी लेकर जा रहे हैं तो ओरिजिनल होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप फोटो आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं वो एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, फोटो कॉपी नहीं चलेगी, आप इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। और एक बात यहां ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपके जो एडमिट कार्ड में नाम लिखा है वो सेम टू सेम आपके फोटो आईडी प्रूफ से मैच होना चाहिए। यदि फोटो आईडी प्रूफ में दूसरा नाम लिखा है दोस्तों और एडमिट कार्ड में दूसरा नाम लिखा है, तब आपको क्या करना है, आपको 10th क्लास की मार्कशीट अपने साथ जरूर लेकर जाना है, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट में आपका नाम, आपके पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही सही लिखा होता है, ठीक है। तो यदि आपके एडमिट कार्ड में दूसरा नाम लिखा है और आपके फोटो आईडी प्रूफ में दूसरा नाम लिखा है, तब आपको 10th क्लास की मार्कशीट लेकर जाना है। यदि सही लिखा है तब आपको लेकर नहीं जाना है 10th क्लास की मार्कशीट, ओके। इसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट है दोस्तों, फोटो आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है। जो भी आप फोटो आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं साथ में उसकी फोटो कॉपी भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। कम से कम आपको 2 फोटो कॉपी आप जरूर करवा लेना है। यदि आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं फोटो आईडी प्रूफ के तौर पर, तो ओरिजिनल के साथ साथ आपको 2 फोटो कॉपी करवा के ले जाना है, यानी जीरोक्स कॉपी आपको ले जाना है। यदि आप पैन कार्ड लेकर जा रहे हैं तो इसकी भी 2 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। जो भी आप फोटो आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं उसकी फोटोकॉपी आपको जरूर करवा लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको मास्क लेकर जाना है, ठीक है। यदि आपको हैंड सैनिटाइजर लेकर जाना है तो लेकर जाइए, नहीं ले जाना तो मत ले जाइए, वैसे ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती है। वाटर बॉटल आपको लेकर जाना है, यानी पानी वाली बोतल यदि आपको लेकर जाना है तो ले जाइए,
नहीं ले जाना तो मत ले जाइए, है ना। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखें दोस्तों, यदि आप पानी वाली बोतल लेकर जा रहे हैं तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब उसके आर पार देखा जा सके, ऐसी बोतल आपको लेकर जाना है, ठीक है। आपको पेन की जरूरत पड़ेगी रफ वर्क करने के लिए, तो आपको पेन भी साथ में लेकर जाना है, ओके। इसके बाद हाथ, नाक, कान या गले में कुछ भी मेटल की वस्तु आप पहने हैं तो उसे जरूर उतार दें, ठीक है, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है मेटल की वस्तु, ठीक है। तो यदि आप कुछ भी कान, नाक या गले में पहने तो उसे जरूर उतार दीजिएगा, ठीक है। गर्म कपड़े आप पहनकर जा सकते हैं, स्वेटर वेटर पहनकर जा सकते हैं, है ना। स्लीपर पहनकर जाइएगा दोस्तों, क्या होता है कि वहाँ पास यदि आप शूज पहनकर जाएंगे, जूता पहनकर जाएंगे तो वो उतरवा देते हैं, इससे अच्छा है कि आप स्लीपर ही पहनकर जाएं, ठीक है। स्लीपर चप्पल अलाउ होती हैं, ओके। इसके बाद एग्जाम हॉल में इन्हें लेकर मत जाइएगा, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ स्पीकर, कैलकुलेटर आदि, ये सब एग्जाम कि एग्जाम हॉल में ले जाना सख्त मना है। वैसे आप घर से लेकर जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पास बैग में आप रख सकते हैं, ठीक है। बैग रखने की कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाती है एग्जाम सेंटर की तरफ से, क्योंकि बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं, है ना, पेपर देने, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाती है एग्जाम सेंटर में, ठीक है। तो आप अपने साथ बैग लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।